बे निकल, मेरे दिमाग में मत जा तू। नहीं जमता ना तो मत किया कर बात। जा, कर नहीं आता इसीलिए, समझा ना। क्या मेरे को आने का भी नहीं तेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। लास्ट टाइम हमने एक जगह दिखाया था शूटिंग के लिए, तो उसका आज फाइनल टेक रेक ही है। मैं विशाल के आने का वेट कर रहा हूँ। मैं नीचे उतर गया, विशाल थोड़ा लेट है। मॉर्निंग वाइब्स है ना, बहुत अच्छी होती है। विशाल भी आ गए, काफी देर वेट कराया इसने मुझे। तो लास्ट टाइम है ना, हम लोग ने एक बंगलो दिखाया था शूटिंग के लिए। आज फाइनली है ना, हम लोग उसके टेक रेकी करने जा रहे हैं। टेक रेकी हम लोग उसको बोलते हैं ना, इसमें हम लोग लाइट्स कैमरा वगैरह सब एंगल वगैरह चेक करते हैं। आज उसके लिए जा रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम उन्होंने दिखाया था ना, कुछ काम है ना हम लोग का, बारिश के टाइम है ना स्लो हो जाता है। दो महीना तो मतलब एकदम काम होता ही नहीं इंडस्ट्री में, कैमरा वगैरह बारिश में आउटडोर शूट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा लेट हो चुके हैं, आप पे ऑलरेडी टीम पहुंचती होगी, हम लोग फटाफट पहुंचते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं O2 बंगलो जो मड में है। आप कोई दिख तो नहीं रहा है, ताला भी लगा पड़ा है, नॉक करके देखते हैं। एक कुत्ता दिख रहा है जो भौंकता हुआ, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है यहाँ पे। टीम भी आती होगी, आवाज देना। हेलो, कोई तो आया है। ये चेक करो गाइस, यहाँ पे ना मोस्टली ना एड का शूट करते हैं। व्यू देख रहे हो, और बहुत ही खूबसूरती से बना है। मैं आपको ना इसके अंदर लेके चलता हूँ, इसके अंदर के सीन दिखाता हूँ मैं। कुत्ता क्या? अच्छा आज सेटअप, कल शूट है। अच्छा ऑलरेडी किसी का यहाँ पे सेटअप चल रहा है, वो भी दिखाता हूँ मैं। ख़त्म होने के बाद ही हम लोग का 22-23 डेट है। ये चेक करो गाइस, ये स्विमिंग पूल एरिया। हाँ से वो वाला गेट खुलेगा, ये खुलेगा कब? कितने बजे का कॉल टाइम है? मत कर भाई मेरे। विक्रम जी को बोला था सुबह 7:30 बजे आएंगे रेकी के लिए। देख बार फोन लगा के देख, देख ये चेक करो गाइस, क्या व्यू है ना। ऐसी जगह पार्टी करने भी मजा आता है और शूट करने भी मज़ा आता है। भाई सब चाबी चेक कर रहे हैं। जब चल रहा था तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अंदर रख के उसको लॉक कर दिया और चाबी शायद लेके चले गए। अंदर चेक कर रहा है, चाबी मिल जाए, होप हमारी भी टीम आती होगी देखने के लिए। दरवाज़ा खुल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया आपको, किसी का सेटअप चल रहा है, लोग ने अपने हिसाब से सेटअप किया हुआ है। ये देखो, ये वॉल नकली है। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये किचन एरिया है, और वैसे तो ये वॉल खड़ा कर रहे हैं लोग, यहाँ पे वॉल होती नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है ना एड शूट ही होते हैं। अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। ये ऊपर के रूम्स ये देखिए, आपने बहुत सारे ऐड में देखा भी होगा ऐसे सब। यहाँ सबको व्यू दिखाता हूँ मैं, ये चेक करो गाइस। पार्टी करने से यहाँ अलग मज़ा आएगा। हम लोग ये फाइनल हो चुका है, टेक्स सेटअप शूट सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा शूट होगा। पबजी ने भी है ना लोगों के दिलों में बहुत राज किया है। ये आप BGMI है दोस्त। क्या है BGMI? ये BGMI क्या होता है? PUBG बैन हुआ ना इंडिया में, ये इंडिया वर्जन है। बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के दिलों में राज सबसे ज़्यादा PUBG ने किया है। देख रहे हो सुबह के 7:30 बज रहे हैं, ये बंदे को PUBG सूझ रहा है। बाकी लोग का हम लोग वेट कर रहे हैं, बाकी लोग भी आते होंगे, तो अपने हिसाब से कैमरा एंगल लाइट्स वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। अगर ना मौसम बन गया, बारिश आने वाली है। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू, क्योंकि ये थोड़ा अंदर है मड आइलैंड में, मलाड में गेम वगैरह नहीं हो पाएगा। तो लग रहा है आधी टीम आ चुकी है, लेट्स चेकआउट करते हैं। तो ये हमारे मड का ना सबसे फेमस समोसा है। मड आओ ना तो ये समोसा ट्राई करो, अब अपने जगह का समोसा भूल जाओगे। इसके ऊपर चटनी जो इसके ऊपर आलू की क्या बोलते हैं इसको, चोखा। अब हम कैमरे में फ्रेमिंग चेक कर लेते हैं। Thank you.
यू आर गार्डन पे मेरा पेट्रोल फुल था, मेरे को फुल चाहिए। सीधे बात करना, इतना क्यों इतरा रहा है? अरे क्या मतलब होता है, पैसा लगता है। चिल्ला के बात मत कर तू। अबे जा बे, चल मेरे दिमाग में मत जा तू। मेरे से तू ऐसा बात मत कर, समझा ना? चल, तेरे को नहीं जमता ना तो मत किया कर बात। जा, अगर लेगा लेकर नहीं आता, इसीलिए समझा ना। क्या मेरे को आने का भी नहीं तेरे साथ, समझा? किशन अच्छा, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। फाइनली हमारी रेकी खत्म हो गई, हम लोग ने टैग रेकी कर लिया, हमारे सीन के हिसाब से हमने सब कुछ कर लिया। कल किसी और का शूट है तो कल कोई और शूट करेगा, फिर परसों से हमारा सेटअप, फिर हमारा शूट होगा। तो चलते हैं। यहाँ पे बंगला, यहाँ पे भी बहुत सारे एड शूट होते हैं। यहाँ पे आप फैमिली के साथ आप आ सकते हो, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है घूमने लायक। आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे बीच है, मतलब ऐसे दो बीच है जो कनेक्टेड है। अच्छी खूबसूरत जगह पे ना, ये इतनी ज्यादा गंदगी मत फैलाओ। इतनी ज्यादा गंदगी फैलाओगे ना, हमारा ही मुंबई गंदा होगा। प्लास्टिक वगैरह बैन हो चुका है, इसको ना डस्टबिन में फेंको यार, फिर आप कितनी गंदगी। इतना खूबसूरत बीच है, प्लास्टिक यूज ही मत करो, नीट एंड क्लीन रखो और डस्टबिन यूज करो, ज्यादा गंदगी मत फैलाओ। हमने तो घूम लिया बीच पे, आप भी आओ और आप भी घूमो मलाड में दाना पानी बीच। यार मैं तब से मैं अंदर से आ रहा हूँ, मैंने ऐसे देखा ड्रेसअप में लोग ना नंगे पैर चल रहे हैं और काफी दूर तक चल रहे हैं। बोलते क्या ये किस लिए करते हैं? शिव भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हैं सब, खत्म हो गया ना। अच्छा टाइम ओवर हो गया ना, तो मॉर्निंग में अभी भी देख सकते हो आप, है लोग उतने भी कम नहीं है। तो चलते चलते जाते शिव भगवान के मंदिर जल चढ़ाने के लिए। ओके गॉट इट। पाँच पाँच वाले स्वीट्स खाने ना बहुत मजा आता है ऐसे शॉप पे। मजा नहीं आ रहा नहीं, ये भी अच्छा रहता है, ये वाइट वाला नारियल वाला भी अच्छा रहता है। देख रहे हो आप लोग, ये पूरी यात्रा जा रही है शिव भगवान को जल चढ़ाने के लिए। दूर दूर से लोग आते, पैदल चलते हुए जाते। पानी और कुछ खाने का सामान लोग स्पॉन्सर करते हैं यात्रा वालों के लिए। उतनी नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है, बट बाइक पे हम लोग भीग जाएंगे। मेट्रो वाले बाबा ने हमें बचा लिया। चलो बारिश स्लो हो गई है। इन जैसे लोग है ना पेट्रोल के लिए रोते हैं। मेरे बापू का कुआं नहीं है पेट्रोल का। गन्ने का जूस पीना है, यहाँ पे गन्ने का जूस है। जूस पीने बहुत वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। अंकल कहाँ गए? अंकल एकदम अजीब सा हो रहा है। एक और शूटिंग का काम आया जिसमें लोग वसई फोर्ट देखने वाले आज। मैं घर अभी मैं पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, घर पहुँच जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद वापस से रेडी होके मैं थोड़ा फ्रेश होके फिर मैं वसई फोर्ट के लिए निकलूँगा। तो आपको वसई फोर्ट लेके चलता हूँ।